Assalamualaikum. I am talking to you from Civilized Education System. Today I am going to deliver a lecture of geography for class 6. Now I am showing to you class 6 geography book, geography book, class 7. Now open your book. Today our first chapter is Physical State of the Earth. And open your chapter, page number 2. Composition of Earth's state interior. So today our topic is composition of Earth interior. Composition of Earth interior. Now first of all I introduce you first type is Earth interior is crust. What is the meaning of crust? Okay, the surface of Earth consists of water and dry land. Basically, earth जिसको हम जमीन कहते हैं, तो जिसका बैरूनी हिस्सा जिस पर हम चलते हैं, ठीक है, वो कहलाता है crust कहलाता है। और इसमें दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्या, जिसमें कौन-कौन सी चीज़ शामिल है? Water and dry land। यानी कि जमीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जमीन के ऊपर वाली सतह पे surface पे क्या चीज़ होती है? एक तो पानी water जिसको कहते हैं, दूसरे हम dry land जिस हिस्से पर हम चलते फिरते हैं, उसको क्या कहेंगे हम dry land। And its thickness is not uniform. ठीक है, जमीन का वो हिस्सा जिस पर हम चलते हैं या जिस हिस्से पे पानी होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि जमीन हमें हम अर्थ पर रहते हैं जिसका सरफेस है, इसकी सतह हमें मालूम है कहीं से बुलंद है, कहीं से पहाड़ है, कहीं से जलवान है, तो हम इसकी थिकनेस को यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। ठीक है, अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर पर इज नोन एज क्रस्ट। जो अपर लेयर है, जो फर्स्ट इसकी, जिसको हमने डायग्राम में भी शो किया गया है, इसकी फर्स्ट लेयर, ठीक है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो सतह है इसकी, इसको क्या कहा जाएगा? क्रस्ट कहा जाएगा। सी आर यू एस टी क्रस्ट, जिसको आउटर सरफेस भी कहते हैं, इसको मीनिंग में बैरूनी सतह, इसका मीनिंग क्या कहलाएगा? बैरूनी सतह। जमीन की जो बैरूनी सतह है उसको हम कहेंगे क्रस्ट। और जिसकी जो टू इसकी होती है, कंसिस्ट होती है टू थिंग्स पे, जिसका वाटर एंड ड्राई लैंड, ठीक है, इसके साथ इसकी थिकनेस कितनी है, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिस पर पानी है, जो खुश्की पाई जाती है, उसकी बेसिकली जो थिकनेस है वो कितनी है? थिकनेस इज बिटवीन 8 to 40 किलोमीटर, यानी कि जमीन का ये हिस्सा जिसकी आप थिकनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसका सरफेस है वो कितना है? 8 to 40 किलोमीटर इसकी क्रस्ट है, थिकनेस है। क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, क्रस्ट जो जमीन की सतह है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। द अपर पार्ट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंटल, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि जमीन जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसमें पानी है और एक खुश्की है, जो खुश्की वाला हिस्सा है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जिसमें आपके पहाड़ भी आ जाते हैं, सदा खुश्की की सतह भी आ जाती है, कहीं पर मैदान होते हैं, तो ये सारी हमारी कहलाएगी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी। एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट, यानी कि हमने बताया कि जमीन का दूसरा हिस्सा जिस पर पानी पाया जाता है, पानी मौजूद होता है, उसको हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक बेसिकली समंदर को कहते हैं, तो जमीन के वो हिस्से जहाँ पर पानी दरियाओं समुद्रों की शक्ल में बह रहा है, तो उसको हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड मास नोन एज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जो आपके जमीन का मास है, यानी कि मास मतलब कितने किलोमीटर से लेकर कितनी जगह तक हमारी जमीन का जो एरिया, टोटल एरिया कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जमीन का वो जो बाकी हिस्सा जिसपे पानी मौजूद होता है वो कहलाएगा ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट कहलाएगा, यानी कि वो समुद्र वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है मेंटल, जिसको कहा जाता है मिडल लेयर। मेंटल ये डायग्राम में भी आपको शो हो रही है, मेंटल MENTL मेंटल। मिडल लेयर मतलब इसका दरमियानी हिस्सा, जमीन का ये जो हिस्सा है दरमियानी हिस्सा। सबसे पहले जो हमारी लेयर थी वो क्या थी? क्रस्ट, जिसको हम आउटर सरफेस कह रहे थे, बैरूनी सतह। अब बैरूनी हिस्सा, जमीन को मुख्तलिफ तरह में तकसीम किया गया, लेयर्स में तकसीम किया, जो इसकी सेकेंड लेयर है वो मिडल लेयर कहलाती है, जिसको दरमियानी सतह कहेंगे, दरमियानी हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। इसको मेंटल के नाम से जाना जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेंटल के बारे में आपको बताया गया है कि मेंटल इज अ ब्लो क्रस्ट, जिनके जो मेंटल जमीन का जो दूसरा हिस्सा है वो क्रस्ट से नीचे है, दरमियानी हिस्सा कहलाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, जिस तरह से हमारी क्रस्ट टू लेयर पे मुश्तमिल है, जैसे एक हमने वाटर का बताया था, एक हमने बताया था क्रस्ट में ड्राई लैंड, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। इसी तरह से जो मेंटल लेयर है उसके भी उसी तरह से
इसमें भी दो देहे हैं, ये भी दो देहों पर मुश्तमिल है, जिसमें जो अपर मेंटल जो है उसकी आपको थिकनेस बताई गई है, क्या अपर मेंटल इज 670 किलोमीटर थिक, ठीक है। इसकी टू लेयर जो बताई गई है, उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसकी थिकनेस, इसको मोटापा कहा जाता है, मोटाई कहा जाता है, चौड़ाई इस सेंस में यूज होती है, तो कहते हैं 670 किलोमीटर की थिकनेस है। इन दिस लेयर मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन मॉडर्न स्टेट, ठीक है। इसके अंदर जो जमीन का निचला हिस्सा है वहां पर प्लेट्स और रॉक्स यानी कि चट्टानें जुड़ी हैं जमीन के अंदर, और वो मॉडर्न स्टेट में होती है, मेल्ट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इससे कह सकते हैं कि जो जमीन का निचला हिस्सा होता है उसमें जब लेयर्स में उनको डिवाइड किया जाता है, तो जमीन के अंदर जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसके नीचे वाले पोर्शन में जिसको मेंटल कहा गया है, उसके अंदर जैसे इसके अंदर आप लोगों को बता दिया गया कि इसके रॉक्स हैं जिससे चट्टाने हैं, तो चट्टाने अपनी जगह से प्लेयर्स जमीन के अंदर मौजूद हुए जिससे दूसरी जगह हटती हैं, तो क्या कहलाएंगी वो फिर रॉक्स के फॉर्म में शक्ल हो जाएंगी, और जब वो रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है यानी कि जमीन के अंदर उनकी जब हरकत होती है तो वो हमें जमीन के ऊपर भी उसी तरह से शो होती है। बिलो द अपर मेंटल इज लोअर मेंटल विच इज हार्ड एंड सॉलिड, ठीक है। जो आपकी अपर मेंटल जो होती है, जो दूसरी सतह से ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है, विच इज हार्ड एंड सॉलिड, वो सख्त होता है, सॉलिड होता है। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, यानी कि जो जमीन की दूसरी सतह जिसको हम रॉक्स चट्टानों से तस्वीर देते हैं, बताया जाता है कि जमीन के अंदर जो चट्टानें पाई जा रही हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनती होती है, किस चीज़ में मुश्किल होती है आयरन जिसको हम लोहा कहा जाता है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये जो हमारे पास धागे होती हैं जमीन के अंदर उनके बारे में बताया गया है कि जो मेंटल लेयर है वो इन चीज़ों की इन आयरन इन धातुओं से मिलकर बनी है, जिसमें आयरन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम कहा गया है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इस थिकनेस इज 2230 किलोमीटर की थिकनेस है, जो मेंटल की अपर लेयर की थिकनेस है वो है 670, और जो उससे नीचे वाला दूसरा उसका लेयर उसकी दूसरी लेयर आ रही है वो है 2230 किलोमीटर, यानी कि टोटल इसकी थिकनेस जो कि मेंटल लेयर की है जिसमें टू पोर्शन है अपर और लोअर मेंटल लेयर आ रही है, उसमें जो अपर की है वो 670 है, जो टोटल इसकी आ रही है 2230 किलोमीटर है इसकी इसकी लेयर आ गई। नेक्स्ट वन इज हमारे पास हमारा है कोर, जिसको कहते हैं इंटरनल पार्ट। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा क्रस्ट, जिसको हम आउटर सरफेस कहते हैं, बैंगनी सतह। सेकंड है हमारे पास मेंटल, जिसको कहते हैं मिडिल लेयर, दरमियानी सतह। और थर्ड वन इज है कोर, जिसको कहते हैं इंटरनल पार्ट, इनके अंदरूनी हिस्सा। इनके जमीन को तीन तहों में तकसीम किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जिसको हमने बताया था बैंगनी सतह, वो दो हिस्से थे, मेंटल जो कि अंदरूनी सतह है इसकी भी टू लेयर्स थी, और सबसे थर्ड जो हमारी लास्ट आ रही है पार्ट आ रहा है वो इंटरनल पार्ट। अब इंटरनल पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले बताया गया कि स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर, ठीक है। इसी तरह से जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल है, मेंटल के बाद कोर, ठीक है। जो मेंटल के बाद लेयर पाई मौजूद होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कोर, जिसको कहते हैं इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट मीन अंदरूनी हिस्सा, जमीन का सबसे अंदर वाला हिस्सा। यहाँ पे आपको डायग्राम में इजीली इसको शो भी हो रहा है, इंटरनल कोर सबसे अंदर वाला ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इंटरनल कोर, ठीक है। सेकंड एक्सटर्नल कोर, मीडियम वाला मेंटल, सबसे एंड पे जो सबसे अपर हमारी सबसे जमीन की सतह वो क्या कहलाएगी, क्रस्ट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कोर इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट क्या कहलाएगा, जो स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर, ठीक है। जिस तरह से हमने टू लेयर्स बताई हैं, क्रस्ट की भी टू लेयर्स बताई हैं, मेंटल की भी टू लेयर्स बताई हैं, इसी तरह से हमारे जो कोर है, इंटरनल पार्ट है, इसके भी टू कोर्स है, टू पार्ट्स बताए गए हैं, कौन से, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर एंड एक्सटर्नल कोर। एक्सटर्नल कोर में क्या है, एक्सटर्नल कोर इज इन लिक्विड फॉर्म बिलो द मेंटल, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल यानी इसकी अब टू लेयर बता दी है, इंटरनल एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल है वो मेंटल के थर्ड वन में जो आपकी आ रही है वो लेयर थर्ड आ रही है, वो एक्सटर्नल कोर आ रही है, ठीक है। एक्सटर्नल कोर इज इन लिक्विड फॉर्म बिलो द मेंटल, ये किस फॉर्म में है, किस शक्ल में, लिक्विड लावे की शक्ल में, जिसको कहते हैं लिक्विड फॉर्म है, पानी फॉर्म की जो शक्ल होती है उस तरह से होती है। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न रॉक्स, जिस तरह से हमारी मेंटल लेयर जो है वो भी रॉक्स चट्टानों जैसे आयरन सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी एक्सटर्नल कोर है वो किस चीज से मिलकर बनी है, मॉडर्न रॉक्स। इसी तरह से यहाँ पे जमीन के नीचे जो है इसी तरह से यहाँ पे इसी तरह से चट्टानें मौजूद है जिस तरह से मेंटल है, यानी कि इसकी थिकनेस इतनी नीचे जा
उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उन पार्ट्स को डिफरेंट नेम दे दिए गए, और जो सबसे निचला हिस्सा है जिसमें फर्स्ट में एक्सटर्नल कोर आ गया, इसके अंदर भी आपको मोल्टन रॉक्स ही मिलेगी। इट्स थिकनेस इज 2250 किलोमीटर। हमारी जो मेंटल की थिकनेस थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 2230 किलोमीटर थी, और जो हमारी अब कोर की इंटरनल पार्ट है उसकी जो थिकनेस बताई गई है वो कितनी है, 2250 किलोमीटर बताई है। इंटरनल कोर इज मेड ऑफ निकल्स एंड आयरन, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारी मेंटल लेयर थी वो सिलिकॉन है एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी थी, और ये जो इंटरनल जो जमीन का अंदरूनी हिस्सा है इससे मिलकर बना है निकल एंड आयरन से। लेकिन रॉक्स के अंदर जो धार पाई जा रही है, जो मेटल उसके अंदर मौजूद है, वो किससे मिलकर बना है, निकल एंड आयरन से। इट इज ऑल्सो एज नोन एज नाइफ, इसको नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। दिस नेम इज डिराइव फ्रॉम द इनिशियल टू लेटर्स ऑफ निकल एंड फेरियस, यानी कि ये दो नामों से मिलकर बनाए गए टू लेटर यूज हुए हैं इसमें, निकल एंड फेरियस, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया गया इसके एब्रिविएशन करके नाइफ NIFE नाइफ, इसको कहा जाता है निकल एंड फेरियस। द इंटरनल कोर इज सॉलिड, ठीक है, जैसे हमारी मेंटल कोर सॉलिड है पहाड़ों से रॉक से चट्टानों से मिलकर बनी है, इसी तरह से हमारी जो इंटरनल पार्ट है जिसमें एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर मौजूद है ये भी हमारे कोर सॉलिड यानी कि सख्त है, चट्टानें तो आपको मालूम है कि सख्त होती है, इसी तरह से इनकी जो इंटरनल पार्ट है वो भी रॉक की तरह सख्त है। इट इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल स्फीयर, ठीक है, कह रहे हैं हमारी जितनी जो हमने लेयर्स पढ़ी है जिसमें आउटर सर्फेस है मिडल लेयर आ रही है, जो सबसे थिकनेस है और जो सबसे हैवीएस्ट लेयर है वो आपकी कोर कहलाएगी जिसमें एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर दोनों लेयर्स मौजूद हैं। इस थिकनेस इज 1220 किलोमीटर, इसकी जो टोटल मोटाई कह रही है थिकनेस जो कह रहे हैं वो कितनी आ रही है 1220 किलोमीटर, ठीक है। क्लास सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इसको रिवाइंड एक दफा कर लेंगे, जो हमने कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर पढ़ी थी वो क्या थी, सबसे फर्स्ट में थी क्रस्ट, सेकंड में थी मेंटल मिडल लेयर एंड थर्ड में कोर इंटरनल पार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद थी डायग्राम में आपको शो हो रही है कि क्रस्ट थी, सेकंड में आपकी मेंटल जिसको मिडल कहा है, और थर्ड में जिसको हमने कोर इंटरनल पार्ट कहा था। इंटरनल पार्ट में टू पार्ट थे, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर। डिफरेंट हमने इसमें पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ा, इसमें क्या था वाटर एंड लैंड पाया जाता है, यानी कि पानी और खुश्की वाला हिस्सा था। मेंटल जिसको मिडल लेयर कहा जाता था, इसकी भी टू लेयर्स थी और इनकी डिफरेंट थिकनेस बताई गई थी, और थिकनेस में जो टू लेयर्स अंदर गए थे मॉल्टन रॉक्स, जो रॉक जो बनी थी वो आयरन मैग्नीशियम और सिलिकॉन से मिलकर बनी थी। एंड थर्ड वन इज कोर, कोर जो कि मेंटल से थर्ड पर पार्ट था इसलिए इसको कोर कहा गया, जिसको इंटरनल पार्ट कहा गया। इसके भी टू पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल, जिसको एक्सटर्नल कोर कहा गया और इंटरनल कोर पे आ गया। एक्सटर्नल कोर इंटरनल कोर बेसिकली मेंटल से थर्ड पे आ रही है, और इनका भी जो इनके अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा पाया जा रहा है, रॉक्स का ही पाया जा रहा है, जो कि आयरन और निकल से मिलकर बना है, और आयरन और निकल की शॉर्ट फॉर्म जिसमें बताई गई है नाइफ, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि जमीन का जो थर्ड पार्ट है जिसको कोर इंटरनल पार्ट कहा जाता है और वो निकल एंड फेरस से मिलकर बना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार यूज हो रहा है नाइफ, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि नाइफ इट मीन्स कोर इंटरनल पार्ट, यानी कि नाइफ इट मीन्स कोर इंटरनल पार्ट, और इसकी इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है जमीन के अंदर जो कुदरती तौर पर हमारी जमीन जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, जो रॉक्स हैं रॉक्स हैं, जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है, जो धात इस्तेमाल हुई है वो कौन कौन सी है, निकल और आयरन है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है, इनसे मिलकर हमारी जो अर्थ है उसकी लेयर को डिफाइन किया गया है।